गाइस अभी हम लोग ने अपनी कुछ जर्नी ऐसे स्टार्ट करी थी कि हम लोग नैनीताल से आगे आए और नैनीताल से आगे आने के बाद हम लोगों ने अलग अलग जगह पे घूमा। हम यहाँ से हिमालय व्यू पॉइंट पे गए हैं, फिर देन हम यहाँ से हमने सत्यनारायण जी के मंदिर देखा, देन आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे आपको खुड़ताल दिखाया जहाँ पे वो पूरे काऊ के पैर के शेप का था, और साथ साथ हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग आते हैं लवर्स और सुसाइड पॉइंट विजिट करते हैं। और यहाँ पे नैनीताल की बात की जाए तो यहाँ पे काफी सारे ताल है, छोटे बड़े बहुत सारे ताल है, कुछ मैनमेड है कुछ आर्टिफिशियल है। तो उन्हीं में से कुछ एक ताल है, एक आर्टिफिशियल ताल जो कि है ये, तो ये ताल बेसिकली ये है सरिया ताल, और ये सरिया ताल जो है ये आर्टिफिशियल ताल है। यहाँ पर इस ताल को बनाया गया जस्ट फॉर द रिक्रिएशन एक्टिविटीज, क्योंकि इसी के पास में ये एडवेंचर पार्क भी है, और उस एडवेंचर पार्क में आप जिप लाइनिंग, बम्पिंग कार्स, माउंटेनिंग ऐसे ऐसे करके आप तीन चार एक्टिविटी और स्पॉट्स कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आके आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ये ड्रम शेप के बलून्स हैं, इसमें कुछ कुछ बच्चे अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो लोग इस पूरे पॉन्ड के ऊपर चल रहे हैं, तो ये भी बच्चों के लिए रिक्रिएशनल जगह काफी अच्छी है। साथ में यहाँ पे आपको बोटिंग करते हुए दिख जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी बोट्स भी है, जनरली चार्जेस 200 to 300 वेरी करता है, लाइक हाफ एन आवर या फिर एन आवर, डिपेंड अपॉन आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे चीजें या फिर ये स्पॉट्स एंजॉय करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये था सरिया ताल, और ये काफी सुंदर ताल है, ऐसे दिखने में तो इसे ग्रीन सा लग रहा है, बट एक्चुअली में इन्हें ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें ये नहीं कुछ टाइल्स लगी हुई है, ये एक तरह का जो पानी जो रोज साफ होता रहता है, इसके अंदर ग्रीन ग्रासेस है, छोटे छोटे ग्रासेस है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये पॉन्ड है ना वो अच्छा खासा ग्रीन दिख रहा है, और देखने में लग रहा है कि कम इसमें होगा, मतलब डेप्थ इतनी नहीं होगी, बट एक्चुअली में डेप्थ इसकी अच्छी खासी दिख रही है, लाइक 4.5 meters की है। तभी यहाँ पे जो बोटिंग भी कर रहे हैं उनको लाइव कैप्चर करना होती है, बोट में भेजा भी जा रहा है, और वो ड्रम्स को भी है ना वो बांध रखा है कि कहीं बच्चे ज्यादा दूर ना चले जाए, तो वो दो चले अंदर सारे मम्मी पापा भी ढूंढते रहेंगे कहाँ गए उनके बच्चे। तो ये एक काफी सुंदर जगह है, लेकिन अगर आप रूट से आ रहे हो अपने नैनीताल से आ रहे हो तो ऑन रोड ही पड़ता है, तो थोड़ी देर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, खाने के भी अच्छे ऑप्शन है, मैगी है, मोमोज है, मतलब अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप चाइनीज फूड प्रेफर करते हैं या फिर अगर आप पहाड़ों के बीच में मैगी खाना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा स्पॉट हो सकता है आपके तौर से रुकने के लिए। साथ साथ लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट पे, खुड़ताल वाली जगह पर भी आपको काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे आप बैठ के आराम से इन बाजों को एंजॉय कर सकते हैं पहाड़ों के बीच में। हम भी कुछ वही करने आए हैं अपने वीकेंड पे, तो आई थिंक आपको पूरा व्लॉग अच्छा लगा जहाँ पे हमने आपको आज नैनीताल के 3 से 4 फेमस टूरिस्ट स्पॉट दिखाए, और अगर आपको अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। तो बने रहिए ऐसे हमारे साथ उत्तराखंड नैनीताल की सीरीज में, और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप लास्ट टाइम यहाँ पे नैनीताल विजिट कर रहे थे तो फिर आपकी क्या खास मेमोरी यहाँ पर इस जगह से रही हो। जैसे हमारी मेमोरी ये रही है कि हम लोग यहाँ पर आए और हम लोगों को एक ऐसा गाइड मिला जिसने हमारे को ये सारी की सारी जगह काफी ही फट फट हमारे को दिखा दी। नहीं तो अगर आप खुद आ रहे हैं तो फिर आप काफी पूछते हुए आएंगे और फिर आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, और हम लोग यहाँ पे एंजॉय भी काफी कर रहे हैं क्योंकि ये जो पूरी वादी है ना ये बहुत डिफरेंट है, और नैनीताल क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पे तो हर जगह पे आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा। तो और भी ऐसे खूबसूरत जगह नैनीताल की आपको दिखाते रहेंगे, और आपको जैसा भी हमारी सीरीज देखने लग रही है अच्छी बुरी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम उसको पढ़ें और आपको हर एक कमेंट का रिवर्ट बैक करें। यहाँ पे वही ताल थोड़ा और करीब आ गया है, और यहीं पर ही पास में खुर डायनेस्टी भी है, तो आप यहाँ पर भी आकर रुक सकते हैं, और इसी के ही पास में यहीं पर ही आपको मनसा देवी का भी मंदिर दिख जाएगा। ये है मनसा देवी का मंदिर जहाँ पे आप रूपी माता का चेहरा यहाँ पे निकला हुआ है, और यहीं पर ही शिव भगवान की गुफा भी है, और यहाँ पर हमारी खड़ी है गाड़ी। तो ये नेचुरल मूर्ति है जो कि मनसा देवी जी की, और ये शंकर गुफा है। ये भी लग रहा है आप रोपी है ना। तो दोस्तों ये भैरव बाबा जी का टेंपल, और जहाँ पे माता जी का टेंपल होता है वहाँ पे भैरव बाबा का भी टेंपल जरूरी होता है, और यहीं पर ही
ये रोड के किनारे ही है मनसा देवी जी का टेंपल। और यहाँ पे नीलगिरि माता का जो आप मुख देख रहे हैं ये आपरूपी ही है। यहीं पर ही आप लोग के तौर पे इस शिव भगवान की छोटी सी शिव जिसको शंकर गुफा बोल रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं वुडलैंड वाटरफॉल पे और अभी हम लोग काफी थक गए हैं और शाम का लगभग 5:30 हो जाएंगे और अभी हमने वुडलैंड वाटरफॉल के बिल्कुल जस्ट सामने ये जो है रेस्टोरेंट है यहाँ पे अभी हम थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या मंगाया है और अभी तक का शाम हो गया, देखते हैं किसका यूज किया है। और ये दया शंकर जी है, उनको अपने छोटे नाम से बहुत छोटे नाम बोलने में बहुत गुस्सा आता है, तो ये बताएंगे। अब बताओ जी वो छोटे दया शंकर जी अभी तक का सफर सही है, अच्छा है, गाड़ी भी सही है, रिक्शा है, कम्फर्टेबल है, खाने पीने के लिए जो खाना है खा लो। अभी तक के जर्नी कैसे? अरे बहुत ही बढ़िया जी, हम अच्छे टाइम पर आए हैं, पता है ये जो टाइम है ना यहाँ पे ऑक्सीजन चल रहा है, हाँ पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन चल रहा है, होटल सही रेट पे मिल गए और ट्रैफिक कम है, हाँ और यहाँ पे टिकट जो है पर पर्सन 50 रुपए के। अच्छा ठीक है, हाँ आप भैया मैडम जी बताओ अभी तक का ये टिकट लेंगे तो पता चलेगा क्या असली रेट है। नहीं 50 रुपए बोला है, पानी क्या है, वाटर वॉल है, नेचुरल नेचुरल चढ़ जाऊंगा ना, चढ़ जाऊंगा ऊपर से अभी तक का व्यूज, गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, गाड़ी बढ़िया है यार, अपनी गाड़ी सही हो, एक ले लो अपना टूर गाइड वो आपको सब घुमा देगा कम टाइम में और बहुत सारी चीजें क्योंकि यहाँ आसपास ही में ही है। और सबसे बेस्ट ये है कि क्योंकि यहाँ हमने टूर गाइड लिया तो हमारा बहुत टाइम और इवन फालतू की जो चीजें है ना कि यहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, एक्चुअली जो पॉइंट पे है ना जहाँ जाना है और जो चीज एंजॉय करनी है वो हमने टाइम कवर किया और अपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा, ऐसे हम काफी इंटरेस्टिंग की जर्नी कवर कर रहे हैं क्योंकि फैमिली ट्रिप है तो हमने कोशिश करें कि सारा मसाला इसमें डाला जाए और हर टाइप से कवर किया जाए, मतलब क्योंकि एज अ टीम भी काम कर रही है तो उन्होंने काफी अच्छी तरह शूट किया होगा रूपाली और अब मैं आगे आपको एंकर तो कर ही रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पे जैसे हम आए तो यहाँ पे टूर गाइड और जो वो थे मैं टैक्सी वाले हमारे पीछे पड़ गए, भैया आपने बड़ी गाड़ी आपकी ऊपर नहीं जा सकती, मैं आपको हमें छोटी गाड़ी लेने के जानी पड़ेगी। मतलब देखो ऐसा है कि अगर आपको बहुत बढ़िया ड्राइव करनी आती है हाँ, तो पे तो लेके जाओ, अगर नहीं डाउटफुल है तो बेस्ट है कि आपकी टैक्सी ले लो, वो कोई गलत नहीं बोल रहे बट कहेंगे ऊपर जाओगे ना जब जहाँ हम लोगों ने ऐसे व्यू पॉइंट देखे पीछे वाले तो नैरो हो जाती है, मतलब वन सिंगल रोड ही है, एक गाड़ी पास हो रही है और एक गाड़ी आ रही है, थोड़ा परेशानी तो है बट ऐसा नहीं कि वो गलत गाइड नहीं कर रहा, बट अगर आपकी बात अच्छी तरह आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट क्या है और आपके पास टाइम कितना। और अभी जो खाना है खाने से पहले अभी हम लोग उत्तराखंड सरकार के जो शोरूम में गए थे वहाँ पे हमने बिच्छू घास से बनी चप्पल ले ली, फिर बिच्छू घास की वाले में चप्पल ली और आशीष को बिच्छू घास लगाई तो उसके कमर का दर्द सही हो गया। और ये किरण मैडम ने क्या लिया अभी आपने? मैंने सारी ली। किसकी? बिच्छू घास। बिच्छू घास की देखते हैं मेरे को दर्द होता है तो मैं पहनूंगी, ट्राई करके देखते हैं क्या पता सही हो। अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही नैनीताल, मतलब कैसा रूट रहेगा आने के लिए, कंफर्टेबल कौन सा रहेगा सबसे ज्यादा? भाई नैनीताल की हमारी जर्नी बड़ी मस्त रही, हम लोग शुरू से बता दूँ और मतलब कल शाम को एकदम से प्रोग्राम बना 4 बजे और फटाफट हमने निकले और अपनी गाड़ी थी जैसे आपने हमारी वीडियो में देखी टाटा एक्सन उसमें बैठे हम लोग और मान लो
5 दिनों का थी हम लोग, और फर्स्ट क्लास हवा रखा, खाना पीने का भी रखा, और मान लो हमने यहाँ पर आके अभी तक लगभग 9-10 पॉइंट अपने घूम लिए, क्योंकि वो इसलिए कि हमारे पास अपनी गाड़ी थी, और नहीं तो बस वगैरह तो मुश्किल से एक दिन में 2-3 पॉइंट हो सकते हैं। और अभी तक जर्नी बहुत ही मस्त है, और अभी हम लोग चाउमीन खा रहे हैं, दोपहर में चाउमीन से लगी है, मैडम भी चपा चपड़े कर रही है, और ये भी खा रहेंगे, और अब भी मस्त है। और यहाँ की सामने वाले रेस्टोरेंट की चाय बड़ी बहुत है। इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? नाम तो मेरे को नहीं पता, मगर अभी हम लोग सीधा सुंदरता रेस्टोरेंट, आप देखो एक बार लिखाओ जरा, साफ सुथरा, और किसी टाइप में ये देख रहे हैं। और एक और क्वेश्चन है कि आप ये बताओ, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मोटिव ये भी था कि जैसे जयशंकर का एक एज है, ठीक है, 20-22, एक हम एज के हो गए, एक आप लोग के हो गए, तो आप लोग के ये पूरी जर्नी कितनी कंफर्टेबल रही या नहीं रही, मुझे जनरल फीडबैक दिए एक वो, और फिर जयशंकर भी बताएगा कि उसके लिए कैसा था ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो माउंटेन में और अपनी गाड़ी में शायद पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे मेरी एक लाल की जितना है, मेरी एज 58 है, लगभग होने वाली है, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल। और मैं मतलब घोड़ा कर नहीं होता, अगर उनके वाले घर वाले कोई राग देखते थे, और मतलब अपने पे आदमी इस एज में भी आके 50-60 साल, मैं सोचता हूँ कि लोग को अपने पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा योगा टाइम पर उठे, ठीक है, और हेलो, और बेस्ट टाइम विजिट करने का कौन सा है कि देखो कोई बीमारी नहीं होती, शुगर ब्लड प्रेशर उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, और बेस्ट टाइम है कि 50 साल के बाद आप घूमना चालू करें। नैनीताल आने का बेस्ट टाइम कौन सा? हाँ, नैनीताल आने के बाद हमें ये लगा, क्योंकि अगर हम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से लेकर सितंबर तक आते जी, हमारा एक मसाला डोसा भी आ चुका है जो ऑर्डर किया था, ना हम बढ़िया घूम सकते थे, ना हमें ट्रैफिक होटल टाइम, तो अभी हमारे टाइम ये जो था, अभी हमने जैसे ये अभी हम आए हैं, समय तो मैं नहीं बताऊंगा, महीने भी नहीं बताऊंगा, बहुत बढ़िया टाइम नहीं, वैसे हम बता दें चलो, ये भी हम लोग आए हैं जनवरी 26 तारीख को हम निकले थे, और मान लो ये बिल्कुल लग रहा ना, यहाँ बर्फ तो नहीं है, मौसम हाँ जो टेम्परेचर है 4 डिग्री तक पहुँच जाता है रात को, और दिन में मान लो इस बार 10-12 है, मान लो ये लग रहा है सबसे बढ़िया जनवरी है, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक नहीं है, तो आप आराम से कम टाइम में गाड़ी से घूम। यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट रहता है और होटल से रिलेटेड, तो आपका रिव्यू कैसा था मतलब अभी तक? आपके लिए आना चाहिए पक्का, होटल में तो ये जैसे कि कम पैसे में भी अच्छा, अभी जो ऑफ सीजन चल रहा है, ये असल में ऑफ सीजन है, जो मतलब 3,000-3,000 रुपये के होटल है, आपको 2,000 घूमते, हमें खुद बोल रहे थे 3,000-3,500 रुपये होटल लगाए, वो डिपेंड करा आपकी बार्गेनिंग, और आप किस टाइप का कैटेगरी ऑफ होटल चूज कर रहे हैं, अगर आप देखो भाई बिल्कुल एंड लग्जरी 5-star 4-star प्रॉपर्टी में रुकोगे तो फिर उसका एक बजट अलग है, इकोनॉमिकल में रखोगे, प्रीमियम इकोनॉमिक में रखोगे तो उसमें ठीक है, तो डिपेंड करता है, अगर आप बेस्ट है कि आप यहाँ आके टाइमली होटल देख लो अपने सामने, और वहाँ आप नेगोशिएट कर लो, अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन है, खुद किसी में भी आके आप बुक कर सकते हो, ऑफलाइन के प्राइसेस बड़े ठीक ठाक ही रहते हैं, तो आप दोनों चीज़ आप कर सकते हो, मतलब इसमें हमको ऐसा कोई मिक्स कमेंट नहीं है कि ऐसे ही आओ ऐसे ही आओ, दोनों ऑप्शन सही है आपके टाइम कंपैटिबिलिटी के हिसाब से।